हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो अंग्रेजी, आवाज दो अंग्रेजी। पहली सरकार हाय हाय, अंधी सरकार हाय हाय, पहली सरकार हाय हाय, अंधी सरकार हाय हाय। आज के प्रोटेस्ट इसीलिए है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक वेरिफिकेशन के लिए ऑर्डर निकाला है, हम उस वेरिफिकेशन के लिए उनको मतलब वेलकम करते हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से जिस तरीके से उन्होंने वेरिफिकेशन का करना शुरू कर दिया है वो जिस्मानी तो ना के लोगों के लिए दर्द सर बना है, क्योंकि उनको डोमिसाइल माना मांगा गया है, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगी गई है, बिल्कुल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देंगे, यूडीआईडी कार्ड दे देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, आधार कार्ड दे देंगे, मगर राशन कार्ड कहाँ से दे देंगे, हम ये एफिडेविट की मतलब कोर्ट का कहाँ से दे देंगे, और ये मतलब बाकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कहाँ से दे देंगे हम, अगर हम जिस्मानी तो ना के लोग हैं, हमें मतलब डिसेबिलिटी के बारे में मतलब पूछा जाए कि आपके पास है कि नहीं है सर्टिफिकेट, है कि नहीं है यूडीआईडी कार्ड, आपके पास है कि नहीं है, तो अब ये आज हमें 40 साल 50 साल के बाद वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ के है कि नहीं है, जब हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट थी तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो हमने पहले ही बार दिए हैं, तो अगर इनको वेरिफिकेशन करनी है इसके लिए हम वेलकम करते हैं, मगर इनको एक मतलब टीम मतलब सिलेक्ट करना चाहिए जो घर घर जाके, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर भी है, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो इसके लिए काम करते हैं, तो हम यही चाहते हैं ये ऑर्डर वापस लिया जाए जल्द अज जल्द, और बाकी जो हमारी दीरानी मांगे हैं तो वो पूरा किया जाए ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाए। क्या मांगे आपके? हमारी मांगे हैं तो जो पेंशन है हमारा 1000 रुपया, हमें 5000 रुपया दिया जाए, जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, वो कम लिखे पढ़े लोग हैं वो टेक्निकल हैंड है उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए ताकि वो अपने टांगों पर खड़ा हो जाए, और जो जिस्मानी तो नाकेज लोग हैं उनको बीपीएल कैटेगरी में लाया जाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाए, और जो बिजली फीस है हमारा उसमें 50% कंसेशन दिया जाए, वाटर फीस है उसमें कंसेशन दिया जाए, जितने भी मतलब फीसेज है उनमें से हमें कम से कम 50% रियायत दिया जाए। सर देखें जनाब, बड़ी अफसोस की बात है कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो है अपने ऑफिस से 1000 ऑर्डर से निकाल दिया 1000 तक, इतनी एक तहसीलदार जो होता है उसको अपनी फॉर्मेलिटी अपनी नौकरी के लिए नहीं देनी पड़ती है, जितनी एक जिस्मानी तौर मजदूर को, जितनी एक ओल्ड एज को, जितनी एक विडोज को देनी पड़ती है सर, ये अफसोस की बात। अगर यूटी अगर बाकी स्टेटों में अगर 3700 रुपया है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, तो कश्मीर में इस जिस्मानी तौर मजदूर लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया जनाब, यहाँ पे क्यों नहीं? अगर अगर बाकी स्टेटों में स्पेशल जॉब पॉलिसी है उनके लिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट मैं एक बीए हूँ, माई डिग्री बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अगर सरकार बाकी स्टेटों में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालती है तो यहाँ पे इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, इनको 1000 रुपया मंथली दिया जाता है, और अफसोस की बात है कि बार बार ऑर्डर निकालना, डोमिसाइल बनाओ, फर्स्ट टाइम मशीन डॉक्यूमेंट अटैच करके लाओ, और ये आधार कार्ड लिंक करो, या 7% कहाँ जाएंगे, ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है जनाब, 1000 से हमारा गुजारा नहीं चलता। आजकल के ज़माने में 460 रुपये हमारे पास बिजली बिल है, 460 रुपये में बिजली बिल आती है जनाब, आप ये बात बोलो 1000 से हमारा क्या हो, क्या काम चले, 1000 से हमारा काम चलने वाला है, ना हमें जॉब पॉलिसी है, ना हमें नौकरी है। यार सर मैं आपको ये बात बताऊं कि बिजली बिल जब एक हैंडीकैप्ड बंदा एक्जन के पास जाता है, वो एक्जन साहब ये कहता है कि इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, आप ये बात बताओ अगर सरकार भी यहां की, एलजी साहब भी हमारी बात नहीं सुनता है, कमिश्नर मैडम भी हमारी बात नहीं सुनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारी बात नहीं सुनती है, और हम जाएं तो जाएं का सर, कश्मीर के अंदर थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिसेबल पर्सन लोगों की है, जिसमें इधर मौजूद नहीं, ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन जनाब हमारी बात कौन सुनता है, और हमारी बात बिल्कुल भी कोई भी सुनने के तैयार नहीं है जनाब, मुश्किलें हमारी इतनी है कि ढेरों के अंबार है, ग्रीवेंस से हमारी इतनी है, ग्रीवेंस का अंबार है जनाब, अफसोस की बात जनाब, 1000 रुपया आने जाने का किराया लगता है अफसोस में, जब कोई बंदा आता है ना हमें राशन कार्ड दिए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ टॉम हॉस्पिटलिटी पे, हमें बिल्कुल जनाब ना इंसाफ भी है, वी और इनजस्टिस, हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं, यार हमने कौन सा गुनाह किया है, हमने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है कि इस गुनाह की सजा इस कश्मीर के अंदर जितने भी जिस्मानी तौर मजदूर लोग हैं, चाहे ओल्ड एज है चाहे विडोज हैं, उनको ये इतना बड़ा जो है मिसाल का सामना करना पड़ता है। मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के एलजी मनोज सिन्हा साहब से, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर से कि फौरी तौर हमारे मसलों को हल किया जाए, वरना इस चिलकांग की ठीरी सर्दी में हम इसी प्रेस कॉलोनी के अंदर बैठेंगे और हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, क्योंकि जनाब हम ऑलरेडी मरे हुए हैं, ऑलरेडी मरे हुए, हम क्या ये जिंदा है, क्योंकि हम मरे हुए, हमारी मरी हुई कौम है, तो हमारी बात जनाब एक बात देखो सर, एक बहुत बड़ा मसला हमारी है, अगर जॉब के अंदर कोई फॉर्म भरता है वहां पे कहा जाता है इट इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉट अ परमानेंट, जनाब अगर जिस्मानी तौर मौजूद लोगों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है परमानेंट रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, बाकी क्या भरोसा है जो फिजिकली फिट बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं जनाब, अफसोस की बात है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि एलजी साहब को जागना चाहिए, हमारे मसले हल करने चाहिए।